हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है क्रेजी फॉर फैशन। मैं सुनीता आज एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर की सीरीज में पार्ट 5 लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं आज आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। आई होप फ्रेंड्स कि आप सभी लोगों का जो इंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन है वो काफ़ी बेहतर तरीके से हो रहा हो और आपके जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए मैं सुनीता आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ। इससे पहले मैंने आपको 4 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं जिसमें 30-30 क्वेश्चन थे। आई होप कि वो सारे क्वेश्चन पेपर आप लोगों को समझ आ रहे हों और आप लोग मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर रहे हों। सो फ्रेंड, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है प्रिपेयर हो सके, आप लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। सो फ्रेंड, शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन पेपर, देखते हैं कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँच सके। सो फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन पेपर। सो फ्रेंड, यहाँ पे आज भी मैंने जो है 30 क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। हमारा पहला क्वेश्चन है, दी अदर नेम फॉर नेहरू कॉलर इज। इसमें पूछा गया है कि जो हमारा नेहरू कॉलर होता है या उसे हम स्टैंड कॉलर भी बोलते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है पीटर पैन कॉलर, दूसरा है रोल कॉलर, तीसरा है मंडेलियन कॉलर और चौथा है सेलर कॉलर। सो फ्रेंड, यहाँ पे जो हमारा पीटर पैन कॉलर है ये कॉलर भी नहीं होगा, रोल कॉलर भी नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा नेहरू कॉलर होता है वो स्टैंड कॉलर है और यहाँ पे सेलर कॉलर भी नहीं होगा। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है पहला, उसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेहरू कॉलर को हम मंडेलियन जो कॉलर है उसके नाम से भी जानते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, हम लोग इसे जो है यहाँ पे चूज करेंगे। सो फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली ऑफ ब्लू एंड ग्रीन आर कॉल्ड। इसमें पूछा गया है कि जो हमारा ब्लू और ग्रीन कलर है वो कौन से कलर हैं। पहला यहाँ पे ऑप्शन है नेचुरल कलर, हमारे प्राकृतिक कलर। दूसरा है प्राइमरी कलर, मतलब कि प्राथमिक कलर। तीसरा है कूल कलर, मतलब हमारे जो ठंडे रंग होते हैं। और चौथा है हमारा सेकेंडरी कलर। सो फ्रेंड, यहाँ पे नेचुरल कलर नहीं होगा, ना ही प्राइमरी कलर होगा, क्योंकि प्राइमरी कलर आप सभी लोग जानते हैं RYB रेड, येलो और ब्लू होते हैं। और यहाँ पे हमारे सेकेंडरी कलर भी नहीं होंगे क्योंकि सेकेंडरी कलर में हमारा ऑरेंज कलर आता है। सो फ्रेंड, यहाँ पे ब्लू एंड ग्रीन दो कलर ऐसे हैं, अगर आप लोग इमेजिन करें कि कोई सीनरी है आपके सामने और वो ब्लू और ग्रीन कलर की है तो वो क्या होगी, आपको देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा, आपकी आंखों पे जोर भी नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे हमारा आएगा कूल कलर। यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन टू डायगोनल लाइंस फ्रॉम द शोल्डर दी मीट एट दी चेस्ट टाइप ऑफ नेक लाइन इज कंस्ट्रक्टेड। इसमें पूछा गया है कि जब दो तिरछी लाइन हमारे शोल्डर से लेकर के चेस्ट पे आकर के मिलती हैं तो वो किस तरीके की नेक लाइन या गले की डिज़ाइन बनाती हैं। सो फ्रेंड, आप सभी लोग जानते हैं कि जब शोल्डर से तिरछी लाइन आकर के हमारे चेस्ट पे मिलती हैं तो वरना तो राउंड शेप में आती है, ना ही स्क्वायर शेप में आती है और ना ही स्वीट हार्ट शेप में आती है, वो हमारा जो है वी शेप बनता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल ये हमारे शोल्डर हो गए और ये हमारा चेस्ट पॉइंट हो गया, तो इन दोनों को जब डायगनल में हम मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, वी शेप। सो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा हमारा वी शेप नेकलाइन। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अ नॉर्मल ह्यूमन फिगर इज डिवाइडेड इनटू हेड्स। हमारे जो नॉर्मल फिगर है वो कितने हेड्स में डिवाइड होता है। सो फ्रेंड,
यहाँ पे हमारे बोलते हैं कि जो नॉर्मल ह्यूमन फिगर है वो एट हेड थ्योरी पर अकॉर्डिंग, जो हमारी एट हेड थ्योरी है उसके आधार पर होता है। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं, 10.5, 9, 12 एंड 7.5। सो फ्रेंड, आप लोग कहेंगे कि जो नॉर्मल फिगर है वो एट हेड थ्योरी पर बेस है और यहाँ पे जो है हमारा एट ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप जो एट के आसपास का जो ऑप्शन होगा वहां पे टिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ 7.5 दिया हुआ है, तो ये 0.5 जो हमारा एट हेड है उसमें 0.5 कम है, तो यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, 7.5। और अगर 7.5 और एट दोनों है तो वहां पे आप जो है एट पर टिक करेंगे। सो फ्रेंड, आई होप कि आप लोगों को ये कंफर्म हो गया हो। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है, मार्किंग टूल फॉर स्विंग इंक्लूड। मार्किंग टूल जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सिलाई करते समय कौन कौन सा मार्किंग टूल होता है। फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है चौक, दूसरा है ट्रेसिंग व्हील, तीसरा है फैब्रिक मार्किंग पेंस और चौथा है ऑल ऑफ दीज। सो फ्रेंड, जब हम लोग मार्किंग करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, तो उसमें हम लोग चौक का भी यूज करते हैं, जो कि हमारी मिंटन चौक होती है। ट्रेसिंग व्हील का भी हम लोग यूज करते हैं मार्किंग के लिए ही, एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न पर निशान लगाने के लिए। एंड थर्ड है फैब्रिक मार्किंग पेंस, इसका भी यूज हम लोग मार्किंग के लिए करते हैं फैब्रिक पे। सो फ्रेंड, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पे 4 है, ऑल ऑफ दीज वो सही होगा। सो फ्रेंड, देन यहाँ पे मान लिया, मैं दूसरे तरीके से आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आपका सिर्फ चौक दिया होता ट्रेसिंग व्हील की जगह और फैब्रिक मार्किंग पेंस की जगह कोई दूसरा ऑप्शन दिया होता, तो आप वहाँ पे क्या टिक करते, ओनली चौक पर। सो फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है, कंबाइंड मेजरमेंट ऑफ स्लीव कैप हाइट ग्रेड एंड स्लीव बाइसेप्स ग्रेड अलोंग विद आर्म होल कर्व इन नोन एज। फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया है कि वह मेजरमेंट वह मिला हुआ या फिर कंबाइंड मेजरमेंट जिसमें स्लीव कैप भी होती है, हाइट ग्रेड भी होता है, स्लीव बाइसेप्स भी होता है और आर्म होल कर्व भी होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं, स्लीव आर्म होल, स्लीव लेंथ, फुल स्लीव एंड कट स्लीव। सो फ्रेंड, स्लीव लेंथ नहीं होगा, ना ही फुल स्लीव होगा और ना ही यहाँ पे हमारा कट स्लीव होगा। यहाँ पे होगा फ्रेंड हमारा पहला ऑप्शन जो कि है स्लीव आर्म होल। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि जो हम जब भी हम किसी गारमेंट में स्लीव का आर्म होल बनाते हैं या आर्म होल बनाते हैं, तो उसमें हमारी हाइट भी जो है मेजर होती है, उसमें ग्रेड भी मेजरमेंट होते हैं। ग्रेड फॉर एग्जांपल, हमारी जब भी हम लोग स्लीव आर्म होल बनाते हैं तो क्या करते हैं, बैक का हमारा जो है आर्म होल वो ज़्यादा होता है, मतलब जो हमारा बैक का आर्म होल होता है वो कम गहरा होता है और फ्रंट का जो है ज़्यादा गहरा होता है। ये हो गया हमारा ग्रेड एंड स्लीव बाइसेप्स, और ये सारी चीज़ें हमारे स्लीव आर्म होल में ही होती हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा जो है पहला ऑप्शन सही होगा जो कि आएगा स्लीव आर्म होल। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक लाइंस कैन बी मॉडिफाइड बाय यूजिंग, और इसमें पूछा गया है कि नेक लाइन को हम लोग किस किस तरीके से या क्या क्या यूज करके मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है कॉलर एंड स्कर्ट्स, सॉरी कॉलर एंड स्कर्ट्स, दूसरा है ट्रिम्स एंड एक्सेसरीज, थर्ड है बोथ ए और बी, चौथा है नन ऑफ दिस। सो फ्रेंड, हम लोग नेक लाइंस को मॉडिफाई करने के लिए कॉलर्स का भी यूज करते हैं, स्कर्ट्स का भी यूज करते हैं, ट्रिमिंग का भी यूज करते हैं। ट्रिमिंग मटेरियल आप सभी लोग जानते होंगे कि क्या क्या होते हैं, एंड एक्सेसरी का भी हम लोग यूज करते हैं नेक लाइंस को मॉडिफाई करने के लिए। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, बोथ ए एंड बी।
बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है फुल फॉर्म ऑफ कैड सॉफ्टवेयर इज। सो फ्रेंड, जितने लोग भी हमारे फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड हैं या फिर ड्रेस डिजाइनिंग से रिलेटेड हैं, वो सभी लोग इसका फुल फॉर्म जरूर जानते होंगे, जिसका मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। इसमें हम लोग अपनी डिजाइनिंग करते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर जेंट्स ट्राउजर मेजरमेंट इज टू बी टेक फ्रॉम डैश फ्रॉम द साइड ऑफ द बॉडी। इसे पूछा गया है कि जो हमारे मेंस ट्राउजर होते हैं उनका मेजरमेंट हम लोग बॉडी की किस साइड से लेते हैं, इसमें और कहां कहां से लेते हैं। सो फ्रेंड, इसमें पहला ऑप्शन है वेस्ट टू एंकल, नेक टू वेस्ट, वेस्ट टू कॉफ एंड वेस्ट टू थाई। सो फ्रेंड, आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा ट्राउजर होता है वो चाहे लेडीज का हो या जेंट्स का हो, वो हमारा एक लोअर पार्ट गारमेंट होता है जो हमारे शरीर के निचले हिस्से में पहना जाता है। सो फ्रेंड, क्या होगा अगर हमारा लोअर पार्ट गारमेंट है तो वो हमारा वेस्ट से पहना जाएगा और वेस्ट से एंकल तक पहना जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, वेस्ट टू एंकल। फ्रेंड, इसके अलावा यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए गए हैं, नेक टू वेस्ट। फ्रेंड, नेक टू वेस्ट हम तब लेते हैं मेजरमेंट जब हमारा अपर बॉडी पार्ट गारमेंट बनाना होता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत है, वेस्ट टू काफ। फ्रेंड्स, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। एंड नेक्स्ट है वेस्ट टू थाई। फ्रेंड, वेस्ट टू थाई हम लोग जब नेकर वगैरह बनाते हैं या फिर जो है शॉर्ट जो है लोअर गारमेंट बनाते हैं तो वहाँ पे हमें वेस्ट से थाई तक की मेजरमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे ट्राउज़र पूछा गया है तो हम लोग वेस्ट टू एंकल टिक करेंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन। जो हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन का जो है एलिमेंट कौन सा नहीं है। सो फ्रेंड, यहाँ पे पहला दिया है हारमोनी, कलर, टेक्सचर एंड लाइन। सो फ्रेंड, हारमोनी, कलर एंड टेक्सचर जो है हमारे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन का भाग नहीं है। यहाँ पे जो हमारा लाइन है वो है हमारा ऑप्शन सही। फ्रेंड्स, अगर आप एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मेरे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन वाली वीडियो को आप डिटेल से देख सकते हैं ताकि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ आए। सो फ्रेंड, यहाँ पे जो है लाइन हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेरिएशन ऑफ स्कर्ट इंक्लूड्स। इसमें जो दिया हुआ है इसमें स्कर्ट्स के कौन कौन से वेरिएशन हैं। इसमें पहला है फ्लेयर्ड एंड ट्यूब स्कर्ट, दूसरा है हैंडकरचीफ एंड जिप्सी स्कर्ट, थर्ड है बोथ ए एंड बी, और चौथा है नन ऑफ दिस। सो फ्रेंड, आप लोगों ने देखा होगा फ्लेयर्ड स्कर्ट लाइक अ अम्ब्रेला स्कर्ट, ए लाइन स्कर्ट में जो हमारे फ्लेयर होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो भी फ्लेयर्ड स्कर्ट में आती है। एंड ट्यूब स्कर्ट, फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा ट्यूब स्कर्ट जो हमारे काफ़ी फिटेड जो हमारी स्कर्ट्स होती हैं वो हमारी ट्यूब स्कर्ट कहलाती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा हैंडकरचीफ एंड जिप्सी स्कर्ट। फ्रेंड्स, ये भी हमारे जो है स्कर्ट्स के ही ऑप्शन है। हैंडकरचीफ में जो है हमारा हेम लाइन होती है या हमारे कॉर्नर्स होते हैं वो जिगजैग होते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द टर्म्स आर रिलेटेड टू फैब्रिक कटिंग इन ड्रेस मेकिंग। हमारे ड्रेस मेकिंग में फैब्रिक कटिंग करते समय हम लोग कौन कौन से टर्म को रिलेट करते हैं या टर्म्स का यूज करते हैं और उसको देख करके ही हम लोग अपने फैब्रिक की कटिंग करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ऑन ग्रेन, हम लोग ग्रेन लाइन को देखते हैं कि किधर से हमारा जो है ग्रेन लाइन है। नेक्स्ट है बायस, बायस मतलब 45 डिग्री एंगल पर जो हमारा
फैब्रिक होता है हम लोग वो देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल्वेज। सेल्वेज मतलब हमारे फैब्रिक की जो किनारी होती है, हम लोग उसको भी देख करके अपने फैब्रिक की कटिंग करते हैं। सो फ्रेंड यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है ये हमारा सही होगा, जिसमें होगा हमारा ऑल ऑफ दिस। सो फ्रेंड आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और मेरी वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है मिल सके अपनी प्रिपरेशन के लिए। सो फ्रेंड बढ़ते हैं हम आगे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें पूछा गया है आई स्कर्ट विच रिसेंबल्स इंग्लिश अल्फाबेट एंड फिट्स टाइटली एट द वेस्ट इज कार्ड। इसमें पूछा गया है वह स्कर्ट जो कि इंग्लिश अल्फाबेट ए के तरीके होती है और उसकी फिटिंग जो है हमारी बॉडी पे टाइट होती है, और उसे क्या कहते हैं। इसमें पूछा गया है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गॉडेट स्कर्ट, दूसरा है सर्कुलर स्कर्ट, तीसरा है ए लाइन स्कर्ट, चौथा है पेंसिल स्कर्ट। सो फ्रेंड इसमें पूछा गया है इंग्लिश अल्फाबेट, तो यहाँ पे आप देखिए इंग्लिश अल्फाबेट यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन ए लाइन स्कर्ट, तो आप यहाँ कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ए लाइन स्कर्ट। फ्रेंड जो ए लाइन स्कर्ट होती है वो हमारे वेस्ट पे काफ़ी टाइट होती है और ये हमारे इंग्लिश अल्फाबेट से भी रिलेट करती है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिलेक्शन ऑफ ड्रेस डिपेंड ऑन, हम लोग ड्रेस का सिलेक्शन करते समय क्या डिपेंड करता है, क्या प्रभावित करता है। हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे हम लोग क्या देख करके जो है ड्रेस खरीदने जाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है ओकेशन। ओकेशन मतलब अवसर। अवसर क्या है, पार्टी का अवसर है या हमारी जो है वेडिंग का अवसर है या किसी भी तरीके का या फिर किसी त्यौहार है, फॉर एग्जांपल होली हो गई, दिवाली हो गई, इस तरीके का कोई ओकेशन है, कोई स्पेशल ओकेशन है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब होता है हमारा मौसम। मौसम किस तरीके का है, अगर गर्मी का है तो आप गर्मी के अकॉर्डिंग कपड़े लेके आएंगे, अगर जाड़ा है तो आप वूलन कपड़ा लेके आएंगे, तो ये भी डिपेंड करता है हमारी ड्रेस सिलेक्शन में। और एज सबसे बड़ा यहाँ पे जो है एज डिपेंड करता है कि आप किस एज से बिलोंग करते हैं। अगर आप टीनेजर हैं तो आप टीनेजर के अकॉर्डिंग अपने गारमेंट लेके आएंगे, और अगर आप जो है चिल्ड्रन हैं या बच्चे हैं तो आप उस एज के कपड़े लेके आएंगे। तो आपको ड्रेस सिलेक्शन के टाइम जो है आपको इन तीनों चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो यहाँ पे आप ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेनबो कलर स्कीम इज अ बैंड ऑफ कलर। इसमें पूछा गया जो हमारे रेनबो कलर स्कीम होते हैं उसमें कितने कलर्स होते हैं। इसमें पहला है 10, दूसरा है 9, तीसरा है 7 और चौथा है 8। सो फ्रेंड आप सभी लोग जो है रेनबो में जो कलर होते हैं उसको सुना होगा कि रेनबो में से जो कलर निकलते हैं उसको हम लोग विबग्योर के नाम से जानते हैं, जो कि 7 कलर्स होते हैं, जिसमें वॉलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। फ्रेंड्स ये हमारे 7 कलर होते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जो कि है हमारा 7। फ्रेंड्स नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो कि है अ मिक्सचर ऑफ येलो एंड रेड इज इक्वल प्रोपोर्शन गिवन राइज टू डैश इफेक्ट। इसे पूछा गया है कि येलो एंड रेड को एक बराबर मात्रा में जो है मिलाने पर हमें कौन सा रंग जो है प्राप्त होता है। पहला है ऑरेंज, दूसरा है पिंक, तीसरा है टैन और चौथा है मरून। सो फ्रेंड यहाँ पे जब भी हम लोग रेड एंड येलो को इक्वल मिलाते हैं तो हमें ऑरेंज कलर मिलता है। फ्रेंड्स आप लोग अगर चाहें तो आप लोग मेरी जो कलर थ्योरी वाली वीडियोस है आप उसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि कलर थ्योरी से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को जो है कलर के बारे में पूरा डिटेल से नहीं बता सकती।
सो फ्रेंड, आप लोग जो है मेरी कलर थ्योरी वाली वीडियोस में जाकर के आप लोग वहाँ पे डिटेल से कलर पढ़ सकते हैं, जिसमें कलर क्या है, कलर की हारमोनी कितने टाइप्स की होती हैं, वार्म एंड कूल कलर मैंने सब वहाँ पे आपको डिटेल में बताया है। तो वहाँ पे आप जा कर के कलर के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन आर। इसे पूछा गया है कि डिज़ाइन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला है बैलेंस एंड यूनिटी, सेकेंड है हारमोनी एंड रिदम, चौथा है टेक्सचर एंड कलर, और सॉरी तीसरा है टेक्सचर एंड कलर, फोर्थ है ओनली ए एंड बी। सो फ्रेंड, बैलेंस एंड यूनिटी जो है हमारी प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के अंतर्गत आती है, और हारमोनी एंड रिदम भी हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के अंतर्गत आता है, टेक्सचर एंड कलर ये नहीं आता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ओनली ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लुक्स ऑफ गारमेंट कैन बी इनहेंस्ड बाय एडिंग। इसमें पूछा गया है कि गारमेंट को इन्हेंस करने के लिए, उसके लुक्स को और बेहतर बनाने के लिए हम लोग क्या क्या ऐड करते हैं या फिर क्या क्या ऐड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सेसरीज एंड ट्रिमिंग्स, दूसरा है कंस्ट्रक्शनल डिटेल, चौथा है सरफेस ऑर्नामेंटेशन। फ्रेंड्स, हम लोग अपने गारमेंट को इन्हेंस करने के लिए, उसके लुक को और अच्छा करने के लिए एक्सेसरीज और ट्रिमिंग मटेरियल्स का यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स का भी यूज करते हैं और सरफेस ऑर्नामेंटेशंस का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्योरिटी ऑफ अ कलर इज कॉल्ड। फ्रेंड्स, इसे पूछा गया है कि जो हमारे कलर्स की प्योरिटी होती है, उसका जो अपना एक प्योर नेम होता है वो क्या कहलाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। पहला है इंटेंसिटी, दूसरा है वैल्यू, और तीसरा है ह्यू, और चौथा है पेल्स। सो फ्रेंड, मैंने आप लोगों को अपने कलर वाले जो वीडियो है उसमें बताया था कि जो हमारी कलर का जो प्योर नेम होता है वो ह्यू होता है। हम लोग एक प्योर कलर को ह्यू कहते हैं। आप ह्यू में ही कोई दूसरा कलर मिलाते हैं। एकदम सिंपल तरीके से मैं बता दूं कि जो हमारा एक कलर है वो हमारा एक ह्यू है, क्योंकि जब तक हमारे किसी एक कलर, फॉर एग्जांपल हमारा रेड कलर है, हमने रेड कलर में कोई दूसरा कलर मिक्स नहीं किया है तो वो हमारा ह्यू कहलाता है। अगर हम उसमें कोई दूसरा कलर मिक्स करते हैं, वाइट मिलाते हैं या ब्लैक मिलाते हैं, उसका शेड बनाते हैं, टिंट बनाते हैं या टोन बनाते हैं, तो वहाँ पे हमारा वो ह्यू नहीं बचता है। लेकिन अगर हम उसमें कुछ भी नहीं मिलाते हैं तो वो हमारा ह्यू कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैब्रिक इन मार्कन मेकिंग इज कॉल्ड। इसमें पूछा गया है ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े का जो हमारा यूटिलाइजेशन होता है मार्कर मेकिंग में क्या कहलाता है। पहला है मार्कर यूटिलिटी, दूसरा है मार्कर इफिशियंसी, तीसरा है मार्कर ड्यूरेबिलिटी। सो फ्रेंड, यहाँ पे जो है हमारे तीनों जो ऑप्शन है ये सही होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है, ऑल ऑफ दिस, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is not of the source of wool? इसमें पूछा गया है कि नीचे जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हमारे वूल का, हमारे ऊन को प्राप्त करने का स्रोत नहीं है। पहला है अंगोरा रैबिट, फ्रेंड्स ये भी नहीं है, या मैरिनो, ये तीनों ऑप्शन नहीं, मतलब ये जो अंगोरा रैबिट है, याक है, मैरिनो है, इन तीनों से हमें जो है वूल प्राप्त होती है। इसमें पूछा गया है नॉट सोर्स ऑफ वूल, हमारे ऊन को प्राप्त करने का स्रोत नहीं है। सो फ्रेंड, हमारे जो रैबिट होते हैं, याक होते हैं और मेरिनो होते हैं, इस तरीके से हम लोग अलग अलग वैरायटी की जो है वूल को प्राप्त करते हैं, लेकिन सिल्क वॉर्म से हम लोग सिल्क को प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारा जो है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा, हम लोग यहाँ पे सिल्क वॉर्म को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिनिशिंग, प्रेसिंग, फोल्डिंग एंड
डैश आर फोर प्रोसेस ऑफ द पैकेजिंग ऑफ अ गारमेंट। इसमें पूछा गया है कि फिनिशिंग, प्रेसिंग, फोल्डिंग और एक कौन सा ऑप्शन है जो कि हमारे पैकेजिंग ऑफ गारमेंट के समय यूज होता है। सो फ्रेंड, कटिंग क्या होती है, हमारी पैकेजिंग के पहले हो जाती है, सुइंग भी हमारी पैकेजिंग के पहले भी होती है और वॉशिंग हमारी पैकेजिंग के पहले होती है। इन तीनों प्रोसेस को करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जब पैकिंग होता है तो हमारा बचा यहाँ पे ऑप्शन लेबलिंग। हम लोग फिनिशिंग, प्रेसिंग, फोल्डिंग एंड लेबलिंग, ये हमारे चार ऑप्शन होते हैं पैकेजिंग के टाइम। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द पैटर्न इज नोन एज। पैटर्न को बढ़ाना और घटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं या किस नाम से जानते हैं। पहला ऑप्शन है ग्रेडिंग, दूसरा है ईज, तीसरा है लेआउट और चौथा है पैटर्न मेकिंग। सो फ्रेंड, आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जो प्रोसेस होता है वो ग्रेडिंग में होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइसकर टेपर टवर्ड बॉटम इन कार्ड एस। इसे पूछा गया है, जो हमारी स्कर्ट बॉटम से टेपर्ड रहती है या टाइट फिटिंग की रहती है उसे क्या कहते हैं। पहला है गोल्ड स्कर्ट, दूसरा है पैक्ड स्कर्ट, तीसरा है फ्लेयर्ड स्कर्ट और चौथा है टायर्ड स्कर्ट। सो फ्रेंड, हमारा इसमें से जो सेकंड ऑप्शन है वो सही होगा, पहला सही नहीं होगा, थर्ड भी सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो है हमारा टेपर्ड पूछा गया और फ्लेयर, ये हमारी फ्लेयर्ड स्कर्ट है। और टायर्ड में फ्रेंड हमारी जो स्कर्ट्स होती है ये अलग अलग लेयर्स में होती है। सो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन है ये सही होगा, जो कि हमारा पेग्ड स्कर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, इसमें पूछा गया है हाल्टर इज द नेम ऑफ, हाल्टर का मतलब हाल्टर का नेम क्या है। इस पहला है नेकलाइन, दूसरा है ग्रेन लाइन, तीसरा है वेस्ट लाइन और चौथा है हमारा कफ लाइन। सो फ्रेंड्स, हमारा जो हॉल्टर होता है ये हमारी एक नेक लाइन होती है। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फैब्रिक पैच अटैच टू मेन फैब्रिक बेस और डेकोरेशन इज नोन एज। इसमें पूछा गया है कि हमारा जो फैब्रिक का पैच होता है या एक टुकड़ा होता है उसे मेन फैब्रिक पर जब हम लोग एज अ डेकोरेशन, मतलब डेकोरेशन के लिए अटैच करते हैं तो उसे क्या कहते हैं या किस नाम से जानते हैं। पहला है एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई, दूसरा है वीविंग मतलब बुनाई, तीसरा है एप्लिक, चौथा है प्रिंटिंग। सो फ्रेंड, हमारी एम्ब्रॉयडरी के लिए हम लोग किसी भी फैब्रिक का यूज़ नहीं करते हैं एज अ डेकोरेशन, ना ही वीविंग होता है और ना ही प्रिंटिंग होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जो कि होता है एप्लिक। एप्लिक लाइका पैच, जिसे हम लोग जो है फैब्रिक पर अटैच करके डिज़ाइन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द हाईएस्ट पॉइंट और द टिप ऑफ द बस्ट, दिस मेजरमेंट इज टेकन फ्रॉम मेकिंग डार्ट इन द बॉडीज। इसमें पूछा गया है कि जो है हमारे बस्ट का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसका मेजरमेंट, इसमें पूछा गया है कि जो हमारे बस्ट का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है या टिप पॉइंट होता है उसका मेजरमेंट डार्ट के लिए, मतलब जो कि है डार्ट के लिए हम लोग किस नाम से जानते हैं या जो है लगाते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे पहला ऑप्शन है शोल्डर, दूसरा है राउंड बस्ट, तीसरा है अपेक्स पॉइंट, चौथा है क्रॉच। फ्रेंड, यहाँ पे शोल्डर का मेजरमेंट हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे बस्ट की बात हो रही है, राउंड बस्ट भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पूछा गया है या फिर टिप पॉइंट पूछा गया है, तो वो क्या होता है हमारा अपेक्स पॉइंट, जिससे जो है जो हमारा बस्ट का हाईएस्ट पॉइंट होता है। सो फ्रेंड, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28, इसमें पूछा गया है प्लंगिंग नेकलाइंस आर। इसमें पूछा गया है जो हमारी प्लंगिंग नेकलाइंस होती है वो किस तरीके की होती है। पहला है हाई,
दूसरा है स्क्वायर, तीसरा है वेरी लो और चौथा है लो। सो फ्रेंड, जो हमारी प्लंगिंग नेकलाइंस होती है ये वेरी लो होती है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्कर्ट टाइप वुड कंज्यूम मैक्सिमम फैब्रिक कंजप्शन। इसमें पूछा गया है जो हमारी कौन सी स्कर्ट ऐसी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैब्रिक कंज्यूम होता है। सो फ्रेंड, जो पहला ऑप्शन है वो है सर्कुलर, दूसरा स्ट्रेट, चौथा है मिनी और तीसरा है मिनी और चौथा है ट्यूलिप। सो फ्रेंड, स्ट्रेट स्कर्ट में भी ज़्यादा फैब्रिक कंज्यूम नहीं होता है, मिनी स्कर्ट में भी नहीं होता है और ना ही ट्यूलिप स्कर्ट में होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला ऑप्शन सही होगा जो कि होता है हमारा सर्कुलर स्कर्ट, या हम लोग जिसे अम्ब्रेला स्कर्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या पूछा गया है। इसे पूछा गया है, दिस इज इंसर्टेड इन द केजिंग एट वेस्ट और बॉटम हेम टू पुल द एरिया इवनली। इसमें पूछा गया है कि हमारे वेस्ट और बॉटम पर जो केजिंग होती है, जो कि हमारी एरिया को या फैब्रिक को पुल करने के जो बराबर से पुल करती है, उसे क्या कहते हैं। इसमें पहला है कॉर्ड मतलब डोरी, दूसरा है हुक, तीसरा है वेलक्रो और चौथा है इलास्टिक। सो फ्रेंड, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे वेस्ट या फिर बॉटम पर हेम लाइन पर हमारे जो फैब्रिक है उसको इवनली पुल करने के लिए इन तीनों में से जो हमारा चौथा ऑप्शन है इलास्टिक, उसका यूज हम लोग करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है 13, वो उसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही होगा। आई होप फ्रेंड्स कि आज का जो क्वेश्चन पेपर है उसके क्वेश्चंस आप लोग को अच्छे से समझ आ गए हो। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।